हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। आज मैं एक जो ब्रीड है प्रेसा कैनेरियो, जो कि मेरे पास भी थी, मैंने भी रखे हैं, बट ब्लैक कलर की प्रेसा कैनेरियो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे पास थे ब्रिंडल थे, या फिर एक रेड ब्रिंडल कलर का मेरे पास मेल भी था, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल है कि ब्लैक कलर में एक प्रेसा कैनेरियो कैसा है लगता है, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल है, और एक कंप्लीट एक जो एक्सपीरियंस है, नितेश भाई आज हमारे साथ हैं प्रेसा कैनेरियो को लेके, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बताएंगे अपना प्रेसा कैनेरियो के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखे, और आज कंप्लीट सारी जानकारी हम लेते हैं नितेश भाई से। नितेश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप बताएं अपनी फीमेल के बारे में। मैंने भी प्रेसा कैनेरियो 1.5 साल से ही रख रहा हूँ मैं अपने पास। जी, मेरे पास 1.5 साल से फीमेल है, तो इसका पहले भी लीटर हो चुका है, दूसरा लीटर मेरी फीमेल का, और इसमें ब्लैक रेयर में थोड़ा भी कम मिलता है इंडिया में, ब्लैक कलर थोड़ा कम है हमारे पास जो इंडिया में। पर सकने ये फीमेल के जो बच्चे हैं इनका फादर वो भी इंपोर्ट है, तो मैंने उससे मैट कराई थी अपनी फीमेल। कहाँ पे आपने मीट किया, कौन सा इंपोर्ट? मैंने नोएडा से है, बिक्रम बलवारे उनके डॉग। बिक्रम भाई साहब, हमने उनका वीडियो भी किया था उस डॉग का, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है वो भी। हाँ जी। तो आप 1.5 साल से रख रहे हैं, तो उससे पहले आपने रखे थे या फिर 1.5 साल से? पहले मैंने एक बार ली थी, लेकिन वो 4-5 साल पहले ली थी मैंने। लेकिन ये फीमेल फिर कहाँ से ली आपने? ये बलवारे जी से ली थी मैंने, उनसे फीमेल। अच्छा, परचेज की थी। और इसके मदर फादर क्या है, कुछ ब्लड लाइन? ब्लड लाइन के उनके बेस पे है, जो उनके ब्लड लाइन थी उससे, उन्हीं के पास ब्लड लाइन है। तो नितेश भाई, आप इनको जैसे रख रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इस ब्रीड के बारे में, क्योंकि मेरे पास ये थी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास रहा है, बट मैंने ज़्यादा एक लंबे टाइम तक प्रेसा कैनेरियो नहीं रखे, तो मैं आज आपसे एक जो रियल में जो एक्सपीरियंस है इस ब्रीड का, आज वो आप शेयर करें। मेरी फीमेल जो थोड़ी कूल है स्टार्टिंग से, मतलब एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ब्रीड थोड़ी गार्ड से ही यूज होते हैं आपको, जैसे स्पेनिश ब्रीड है जी, तो उन्होंने गार्ड के यूज पे ही पर्पस थे बनाई थी ब्रीड। और मेरी फीमेल जो लेकिन कूल है स्टार्टिंग से, क्यों कूल रहती है, तो वैसे तो एग्रेसिव में आती है और गार्ड डॉग में यूज होती है स्पेन में सॉरी। जी, जी जी। तो अभी इसका लीटर भी हो रखा है फीमेल का, मेरे पास ये ब्लैक कलर का बच्चा है। क्या एज हो गई इन बच्चों की? ये ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं बच्चों के, 2 महीने क्रॉस हो गया अभी। अच्छा, तो इनकी क्रॉपिंग भी तो अभी कराते हैं? होने वाली क्रॉपिंग की नेक्स्ट वीक। तो जरूरी है क्रॉपिंग कराना? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर एक लुक आती है थोड़ी अच्छी सी, बस लुक के लिए। लुक के लिए क्रॉपिंग कराने का रीजन क्या, लुक है या सिर्फ मतलब और कोई रीजन भी है इसका? नहीं, और तो कोई रीजन नहीं है कि सिर्फ मेरे हिसाब से लुक ही मैटर करती है। वहाँ पे तो होगा शायद, बट यहाँ तो सब लुक के बेस पे ज्यादा चलता है कि लुक आएगी ज्यादा। जी जी। तो अभी कितने पप्स हुए हैं इसके? मेरे पास अभी इसके ये ब्लैक बच्चे हैं और फोन बच्चे हैं, टोटल 8 पपीज है। 8 पपी हैं ये अभी इस ब्रीड के। तो अब मेंटेनेंस वगैरह इस ब्रीड का कैसा रहता है, डाइट्स के बारे में बताएं, थोड़ा ट्रेनिंग्स के बारे में हमें बताएं। ट्रेनिंग में भी तो वेल ट्रेन हो जाते हैं जल्दी, अब जैसे इसको फोकस करते हैं। डाइट में कितना भी, आपने ट्रेनिंग किया है कभी? नहीं, मैंने ट्रेन नहीं किया, फीमेल थी, अब जो नया बच्चा मैं पालूंगा उसको ट्रेन कराऊंगा। तो अगर कोई कंप्लीट ट्रेन कराए, जैसे प्रोटेक्शन के लिए ट्रेन कराए या फिर ओबीडियंस ट्रेन कराए, तो क्या ये ट्रेन होते हैं? हो जाता है मैं तभी इसलिए मैं करा रहा हूँ, एक बच्चा जिसने जो पालूंगा 2 महीने बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराऊंगा, उसको प्रॉपर ट्रेन करूंगा। और डाइट वगैरह में आप क्या देते हैं इनको, कुछ अलग देते हैं या सेम डाइट? कोई बात नहीं, खेलने दे, वो अपने साथ भाई के साथ खेलने जा रहा है, छोड़ दे आप उसको, बताएं। सेम डाइट देते हैं, कोई डाइट में कोई, आपके सारे डॉग्स सेम डाइट रहती है, ऐसा कोई नहीं कि ये सेम डिफरेंट ब्रीड है उसको डाइट में कुछ इशू रहेगा। हाँ, ब्रीड के अकॉर्डिंग थोड़ा क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, हाँ, थोड़ी कोई बड़ी ब्रीड है तो उसका ज्यादा है। अच्छा, अगर कोई घर में रखना चाहे तो आराम से रख सकता है, नो इशू, लो मेंटेनेंस डॉग है ये भी, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई फार्म वगैरह पे गार्डिंग के लिए, उसके लिए कैसे डॉग हैं? बिल्कुल यूज में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने विक्रम भाई साहब के यहाँ पे भी देखे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग हैं उनके भी, बहुत अच्छे उन्होंने किए हुए हैं ट्रेनिंग का, शायद शो के लिए ट्रेन करते हैं। आपने वैसे, मैंने कभी कोई प्रोटेक्शन या उस तरह की ट्रेनिंग के लिए डॉग देखा नहीं फ्रेंड है मेरे, मैंने उनके, मैं बताऊंगा तो नहीं, उनके पास प्रोटेक्शन के लिए वो यूज कर रहे हैं अपने डॉग को, प्रेसा कैनेरियो को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, तो करा सकते हैं उसको प्रोटेक्शन, कभी जरूर हम अपने वीडियो में एक दिखाएंगे कि प्रोटेक्शन के बाद ये डॉग कैसे होते हैं। तो और इनका डिजीज वगैरह, किसी तरह की कोई बीमारियां या हिप्स वगैरह की या है, तो ऐसा कोई मेरे पास अभी आया नहीं अभी तक पिछले 1.5 साल में। हाइंड्स और लेग्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे बड़ी ब्रीड्स हैं कोई घर में रखना चाहे तो हाइंड्स और लेग्स की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? वो आपको पता है इन ब्रीडिंग है, उससे आई थिंक ज्यादा आता है हिप डिप्लेशिया का जो आप बोल रहे हैं तो शायद, लेकिन हमारा कुछ ऐसा है नहीं, तो डिफरेंट है, तो कोई इशू आया नहीं। नितेश भाई, आपको एक बहुत ही लंबा टाइम हो गया डॉग रखते हुए, आपका इस ब्रीड को लेके आपके क्या व्यूज हैं और क्या एक्सपीरियंस इस प्रेसा कैनेरियो के साथ आपका? मैं ये ब्रीड काफी अच्छी लगी मेरे को रखने, बस कि स्टार्टिंग में होता है ना, बंदा रखता है उसके बाद उसको पता लगता है कि आप क्या चीज रख रहे हैं। तो मेरी फीमेल का अकॉर्डिंग देखो तो मैं इसको तो कूल है, मेरी फीमेल एग्रेसिव नहीं है ज्यादा, ये कूल रही है स्टार्टिंग से, लेकिन टेम्परेचर फीमेल्स का डॉग्स का पर्सन मेरे को काफी अच्छा लगा, जो मैंने देखा इनकी लुक भी काफी अच्छी लगती है, टेम्परमेंट भी काफी अच्छा, और टेम्परेचर से भी कोई इशू नहीं इनको भी, जो गर्मी वैसे टेम्परेचर से।
तो इसलिए मेरे को लो मेंटेनेंस डॉग ज़्यादा पसंद है। अच्छा, नहीं देखो सभी को वो पसंद होते हैं, बट कई बार गलती में लोग ले लेते हैं, फिर वो बाद में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बच्चे जो इनके होते हैं इजी मेंटेन होते हैं, या फिर जैसे कहीं पे अगर कोई रखना चाहे, कोई फीमेल्स का कई बार बच्चे हो जाते हैं, जैसे अभी आपके पास बच्चे हुए हैं तो फीमेल भी हुई है, तो कहीं जाएंगे तो आगे कई बार अगर ब्रीड होते हैं तो कैसे मैनेज हो जाते हैं, या फिर जैसे कई बार मेंटेनिंग का लेटर साइज भी अच्छा है फीमेल का। अच्छा, और इजी टू मेंटेन है। लीटर साइज कितना रहता है? लीटर साइज बार भी इसके 8 है, लास्ट टाइम इसके 10 पपीज थे। अच्छा, ये भी रहता है? ये भी रहता है। अब हम गर्मी में इससे कोई लीटर नहीं लेंगे, नेक्स्ट सर्दी में ट्राई करेंगे लेंगे। कितनी बार आप लीटर लेते हो ये आप मुझे बताएं, एक फीमेल का वैसे कितनी बार? मैं कोई जैसे फीमेल का, तो फीमेल्स का वैसे पूरे लाइफ टाइम सर्कल के लिए देखो तो मैं 4 से 5 बार लीटर लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पूरी लाइफ में। मैं रिजबैक का, मेरे पास आपने जो फीमेल देखी, मैंने आपको रिजबैक, मेरे पास फीमेल 7 है, उसको मैंने 1 से 3 बार लिए, 1 से 2 बार बच्चे लिए। 7 साल में 3 बार ये उसमें डॉग्स का जो है जो कंडीशन है वो भी ठीक रहती है, मेंटेन रहती है, और डॉग भी फिट रहता है। सिर्फ पैशन के साथ हुआ है, मैं ब्रीडिंग में जो पैशन क्या है स्टार्ट। आप कैसे इस बिजनेस में, मतलब या इस काम में कैसे आ गए बिजनेस? नहीं, टाइम से ही मेरा पैशन था डॉग रखने का, एक पसंद आया कि एक डॉग ले लिया, तो घर वाले अलाउ नहीं करते, फिर करने लगे स्लोली, तो करते करते इतने डॉग इंक्रीज हो गए, उस पैशन फॉलो होता गया। और आज एक चीज और बताएं नितेश भाई मुझे, कई लोग इसको ना बिजनेस की तरह देखते हैं, आपका क्या मानना है? कि जो मेरे पास अभी राइट नाउ 25 डॉग्स नियरबाय है, मेरे पास 4 महीने पहले लीटर आया था, उसके बाद अभी लीटर आए हैं दो, तो 25 डॉग्स में से मेरे पास ऑलमोस्ट 18 फीमेल्स लगा सकते हैं आप, लेकिन 6 महीने में अगर मेरे पास 4 लीटर आ रहे हैं तो फिर इतनी फीमेल्स क्यों रखी हैं? मतलब है फीमेल्स, मेरे को फीमेल ज़्यादा रखता हूँ स्टार्टिंग से। अच्छा, फीमेल्स आपको ज़्यादा पसंद सूट करती हैं? अच्छा, मतलब सूट करती हैं आप? मैं फीमेल ज़्यादा रखता हूँ, उसने मेल ब्रीड का एक रखता है, जैसे बोरवेल मेरे पास 4 फीमेल 1 मेल है। अच्छा, तो ऐसे ही मेरे पास रिजबैक की 2-3 फीमेल थी, ये भी 1 मेल था, तो ऐसे ही, लेकिन ये नहीं कि हर सर्कल में उसका बच्चा, नहीं टाइम टू टाइम। तो अभी आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन का लीटर ये प्रेसा कनेरियो का हुआ हुआ है, अगर तो नितेश भाई के पास भी एक बड़ा अच्छा ये लीटर है, अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ अगर प्रेसा कनेरियो के बारे में आपको चाहिए। ब्लैक बच्चे अभी इंडिया में है नहीं ज्यादा, तो प्रेसा कनेरियो नहीं, ब्लैक बहुत रेयर है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ब्लैक कलर। तो अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन और कोई अगर आपको चाहिए, या जो कोई हमसे अगर छूट गई हो, आप लोग अगर ये चाहते हैं कि हमें और भी कुछ अगर डॉग्स के बारे में हम पूछें, या आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन कीजिए डॉग के बारे में चाहे, तो आप कमेंट्स करके जरूर हमें बता दिया करें कि सर आप ये भी पूछ सकते हो या ये चीज़ें भी पूछ सकते हो, तो और भी हम आप लोगों के लिए वो चीज़ें पूछेंगे। और अगर किसी और भी ब्रीड का आप अगर चाहते हैं कि हम इस ब्रीड के बारे में भी वीडियोज़ करें, तो उस ब्रीड के बारे में भी आप हमें कमेंट्स करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये ब्रीड, तो वो ब्रीड्स भी हम आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे, उनका कोशिश करेंगे उनका वीडियो लाने के भी। और किसी भी तरह की और कोई प्रेसा कनेरियो की इन्फॉर्मेशन अगर हमसे छूट गई हो इस वीडियो में, तो आपको हम जो नितेश भाई का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, तो आप वहाँ पर जाके नितेश भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। और भी कोई छोटी या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो आप नितेश भाई से वीडियो में बात कर सकते हैं। थैंक यू।